गुड मॉर्निंग क्लास 11th, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इस चैप्टर में भी आपको सारा प्रोग्राम्स ही हैं, जो जनरल प्रोग्राम्स जो मैंने क्लास 10th में कुछ कराए थे, कुछ तो आपको करा दिए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, और जो क्लास 10th में करवाए थे वही सारे प्रोग्राम्स भी इस चैप्टर में कवर होंगे। थोड़ा सा इसमें थ्योरी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में, ये उसके बारे में चैप्टर थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन है इसमें नॉर्मली जो इसमें कंटेंट है वो आपका मेन ही प्रोग्रामिंग का ही है। बहुत सारे प्रोग्राम इसमें आपको बताए जाएंगे अलग अलग तरीके के, थ्योरी का तो कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें है नहीं। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, तो एक दो वीडियो में थ्योरी बताएंगे, बाकी सब प्रोग्रामिंग ही आप लोगों को बता देंगे जो प्रोग्रामिंग वाले वीडियोज़ होते हैं। डेटा टाइप होता क्या है? जो भी डेटा जो भी हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं उसमें जो भी हम वेरिएबल मानते हैं, तो वो सब डेटा जो भी उसमें चीज़ें हैं, जो डेटा होता है उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे नेम्स हैं तो कैरेक्टर में होंगे, नंबर्स हैं या तो इंटीजर में होंगे या तो फ्लोट में होंगे, होल नंबर होंगे निगेटिव या पॉजिटिव तो वो इंटीजर्स में होंगे, इंटीजर तो आप जानते ही हो, फ्लोट मतलब जो हमारे डेसिमल नंबर्स होंगे तो वो हमारे फ्लोट में होते हैं। तो ये जितने भी हम डेटा इंटर करते हैं उसका अपना एक टाइप होता है। अगर हम कोई नाम इंटर करते हैं तो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग है, अगर हम कोई नंबर इंटर करते हैं तो वो इंटीजर है, कोई नंबर पॉइंट में इंटर करते हैं तो फ्लोट है। तो ये कुछ डेटा होता है जो जनरली हम लोग इंटर करते हैं, लेकिन इसको छोड़ के कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स जो यहाँ पर स्टार के फॉर्म में लगे हुए हैं ये आपके असली डेटा टाइप है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ठीक है, इसमें नंबर्स में तो वही आ जाता है, इंटीजर, फ्लोट और ये जो है वो आपके नंबर्स में आते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर से है, यहाँ जो नेम हम इंटर करेंगे, कोई सेंटेंस अगर हम इंटर करना चाहें किसी प्रोग्राम में तो वो हमारी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अल्फ़ाबेट से क्रिएट की कैरेक्टर स्ट्रिंग भी होती है और न्यूमेरिक स्ट्रिंग भी होती है। स्ट्रिंग से मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फ़ाबेट के साथ है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी इंटर कर दिया वो स्ट्रिंग है। अगर हमने लिख दिया ऐसे 1 2 3 डबल कोट्स a = 1 2 3, ये हो गया हमारी स्ट्रिंग। हमने लिख दिया b = sd कॉलेज, ये भी हमारी कैरेक्टर, दोनों स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन हमने कर दिया x = 15, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीजर। y = 0.7, तो ये हो जाएगा हमारी फ्लोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसे लिखा हुआ a = 1 2 3 डबल कोट्स में, डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ आ गई तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। डबल कोट्स अगर लग गया किसी भी नंबर के ऊपर भी डबल कोट्स लग गया तो उसको एज अ स्ट्रिंग करेगा, मतलब इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अल्फाबेट्स में तो वैसे भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती है, तो b = sd कॉल है, तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, वो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। a = 1 2 3 डबल कोट्स के अंदर ये एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है नंबर, वो जल्दबाजी में अगर आपको लगे कि ये नंबर्स हैं तो नंबर नहीं, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग डिफाइन किया हमने, वो जल्दी जल्दी एरो बनाने में शायद वो आप कंफ्यूज हो जाए, तो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, करेक्ट कर देते ये हाँ। ठीक है, तो ये डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो स्ट्रिंग मानी जाती है। तो स्ट्रिंग अपना एक डेटा टाइप है, नंबर्स को भी हम एज ए स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी हम चाहें नंबर्स को एज ए स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। एसडी कॉलेज आपको दिख रहा है डबल कोट्स के अंदर, तो वो ऐसा स्ट्रिंग है। दूसरी चीज बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से, अगर हमने कोई चीज़ जैसे हमने लिखा हुआ x = input enter a number, अगर हमने इनपुट इंटर अ नंबर कर दिया, उसका टाइप नहीं डिफाइन किया, हमने इंटीजर नहीं लिखा है, फ्लोट नहीं लिखा है इनपुट के पहले, तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होगा। यहाँ पर पाइथन में बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ स्ट्रिंग होती है। अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ x = input डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर इनपुट इंटर अ नंबर, ऐसे करके दिखा देते हैं आप लोगों को, x = input enter a number। ठीक है, और देख देते हैं y = int input। दोनों बातों में फर्क है, ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। फर्क यह है कि जहां पर सिर्फ इनपुट लगा है वो अपने आप से स्ट्रिंग है, उसमें स्ट्रिंग को हमको स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ता, इंटीजर के लिए इंटीजर लिखना पड़ेगा,
सॉरी उसके लिए क्या कहते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग के लिए हमको कुछ नहीं लिखना है। कैरेक्टर जो होते हैं कैरेक्टर्स के लिए हमें कुछ नहीं लिखना होता है, बस हमको इनपुट लगा देंगे, बस इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे बस, उसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इनपुट के आगे इंट लगा हुआ तो मतलब इसमें जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है। इनपुट के आगे इंट नहीं लगा हुआ तो इसमें जो नंबर है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, वो स्ट्रिंग ही लेगा उसको, वो 1, 2, 3 पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी, वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 15 लिखा है तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। अगर हम x इज इक्वल टू 15 लिख देते हैं डायरेक्टली तो एक इंटीजर वैल्यू है, y इज इक्वल टू 0.7 लिख देते हैं तो वो एक हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है, लेकिन अगर हम डबल कोट्स लगा देते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रिंग हो जाती है। फिर इसके बाद तीन और नीचे आपको दिख रहे हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ये क्या होते हैं, ये भी एक तरह के डेटा टाइप होते हैं, इस तरह के डेटा टाइप आपने पहले नहीं देखे होंगे कभी भी, लेकिन ये भी एक टाइप के डेटा टाइप होते हैं जो कि पाइथन के खुद के डेटा टाइप हैं। इस तरह के डेटा टाइप अदर लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, इसके अपने अपने चैप्टर हैं। आगे एक दो चैप्टर के बाद, ये जो चैप्टर है इसके बाद एक चैप्टर और आएगा, उसमें भी जनरल प्रोग्रामिंग ही होगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें। लूप के बारे में आपको बताएंगे, जो मैंने लूप्स आपको जो टेंथ में लूप बताए थे तो वही सारे लूप यहाँ पर भी होंगे, सारे वही इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल लूप वही सारे लूप यहाँ पर भी हैं, बस उसके कुछ और प्रोग्राम्स करवाएंगे। उसके बाद ये कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट के बाद स्ट्रिंग आएगा, पहला चैप्टर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग का अपना एक चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग के बाद आपका लिस्ट, फिर उसके बाद टपल और डिक्शनरी, ये सारे अपने अपने चैप्टर हैं। तो ये सब टपल डिक्शनरी लिस्ट क्या होते हैं, ये डेटा टाइप होते हैं, ये इसके खुद के पाइथन के अपने खुद के डेटा टाइप हैं, ये अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में इससे मिलते जुलती चीज़ें होती हैं लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ें नहीं हैं। बहुत बड़े चैप्टर नहीं हैं ये, बहुत छोटे छोटे ही चैप्टर हैं, मुश्किल से एक वीक में, वैसे भी एक वीक से ज़्यादा आपके उसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि अब हम मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, अब वो तो स्कूल खुलने पर पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब भी एक एक वीक के चैप्टर हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, जो कि मैक्सिमम दिसंबर तक ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। पाइथन वाला पूरा पार्ट जितना है दिसंबर क्या होता है, हाँ दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा हमको वो कराना होगा, जनवरी या आधा फरवरी रख लो तो 1.5 महीने में आप लोगों को सिर्फ डेटाबेस वाले पार्ट कवर कराना होगा, बाकी सारे चैप्टर हो चुके हैं। एक दो चैप्टर कट भी गए हैं जो स्मिथ हैं, तो वो हालांकि छोटे से चैप्टर हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसे दिया हुआ नहीं है, तो वो सब कट गए हैं और उससे लिंक्ड 12th में भी आपके के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों डेटा टाइप हैं ये आपने नहीं देखे हैं और ये भी हम आपको दिखाएंगे भी नहीं, ये तब हम दिखाएंगे आपको जब आप लोग इन चैप्टर से पहुंचोगे। बस जान लो कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये भी एक तरह के डेटा टाइप होते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, इंटीजर तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी कहानी है उसकी अलग। इंटीजर भी हमारे दो, इंटीजर में भी दो चीज़ें आती हैं। एक नॉर्मल इंटीजर हमारे वैल्यूज़ जो हैं, जैसे +12 है, -15 है, 3000 है, ये हमारे इनको बोलते हैं साइंड इंटीजर। इनको भी इनकी भी एक कैटेगरी है इंटीजर की, इनको साइंड इंटीजर बोलते हैं। ये इंटीजर वैल्यूज़ तो हैं जो पॉजिटिव निगेटिव जो भी होती हैं, इनको साइंड इंटीजर होते हैं, साइन के साथ होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बुलियन जो होता है वो भी इसमें इंटीजर की पार्ट में ही आता है। ट्रू और फॉल्स भी जो बुलियन, जैसे आपको बताया था बुलियन वैल्यूज़ में ट्रू और, यहाँ पर बुलियन वैल्यूज़ का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू कोई, जिसे कोई चीज़ ट्रू है तो मतलब कोई भी कहीं हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आएगी, तो ये भी हमारा ट्रू फॉल्स जो होता है वो भी हमारे इंटीजर के साथ, इसको बोलते हैं, ये बुलियन वैल्यूज़ होती हैं, ये भी इंटीजर में आती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपको मैंने पहले बताया था, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो सारे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आते हैं, उसमें भी अलग अलग होते हैं। फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल अलग अलग होते हैं, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उनकी जब जरूरत पड़ेगी तो उनकी डिटेलिंग बताएंगे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उनकी डिटेलिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे उसमें आती हैं। दूसरी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ अभी आपको 11th में नहीं पड़ेगा, और उस तब तक 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आप मैथ में पढ़ लो, क्योंकि उसको हम पढ़ाने बैठेंगे तो फिर वो मतलब उसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा उसको बताना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, वो क्या होते हैं वो मैथ में तब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्या कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कौन से रियल नंबर होते हैं, कौन से इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कहानी कुछ है नहीं, बस यही है कि इंटीजर जो नॉर्मली इंटीजर है, अगर साइन लगा हुआ है तो साइन इंटीजर है, और बुलियन है, और बुलियन भी है, ये ट्रू फॉल्स ये भी हमारे इंटीजर में आते हैं। पॉइंट वाली वैल्यू जो आती है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आती है। कॉम्प्लेक्स और नंबर और रियल, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी और रियल नंबर्स आते हैं, वो आप लोग आगे जब पढ़ोगे मैथ में तब आपको क्लियर हो जाएगा। वही जो चीज़ जो मैथमेटिक्स में है वही यहाँ पर भी है, लेकिन इसका यूज़ अभी नहीं है, इसलिए इसको डिटेलिंग में नहीं जाएंगे इसकी अभी, क्योंकि जब यूज़ होगा तब उसको बताएंगे क्या उसका काम होता है।
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैंने आपको बताया डिक्शनरी और इन चीज़ों के बारे में, जब वो चैप्टर आएंगे तो डिक्शनरी, बस ये जान लो कि जो डिक्शनरी होती है, लिस्ट होती है, टपल होते हैं, ये सब एक डेटा टाइप तो हैं, लेकिन किस तरह उनका क्या बिहेवियर है, किस तरह उनकी किस तरह से वो काम करते हैं, वो अभी हम नहीं बता सकते आप, उन सबको बताने में अभी आपको टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको बताना ज़रूरी है, म्यूटेबल एंड डेटा टाइप को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, दूसरे होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है, सॉरी पहले इम्यूटेबल बताते हैं, द इम्यूटेबल डेटा आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते, जैसे p इज इक्वल टू 5 लिखा है, q इज इक्वल टू p लिखा है, ठीक है, p इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो ये इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल, टपल भी जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल जिसको जो प्रोग्राम में ज़रूरत के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी। तो हमारे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन, स्ट्रिंग, ठीक है, जितने भी आप आगे आपके सामने लिखे हैं उसमें एक टपल को और जोड़ दो, टपल भी हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब जिसमें हम किसी भी तरीके से कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिन जो ज़रूरत के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। सेट्स क्या होते हैं उसका वो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो ट्वेल्थ में है, सेट्स क्या होते हैं शायद ट्वेल्थ में भी नहीं है, ठीक है, जो सेट थ्योरी वाले सेट है शायद उनसे ही कोई उन्हीं से रिलेशन है इनका, लेकिन वो सब जो होते हैं वो हमारे होते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, वो प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब जो डेटा टाइप चेंज नहीं होता है, x इज इक्वल टू हमने 10 डिफाइन कर दिया तो x इज इक्वल टू 10 ही रहेगा पूरे प्रोग्राम में, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे डेटा टाइप भी होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से चेंज होते जाते हैं, वो होते हैं हमारे इम्यूटेबल, वो होते हैं हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप। जो चेंज नहीं होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जो चेंज होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। तो चेंज जो म्यूटेबल होते हैं वो लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स हैं, और जो चेंज नहीं होते, जो सामने आपके लिखे हुए वो सारे हैं, स्ट्रिंग है और टपल है, ये हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स की भी दो कैटेगरी है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो नहीं चेंज होने वाले जिनमें को जिनको जो डेटा टाइप हम डिफाइन कर देते हैं उसके बाद डिफाइन होने के बाद वो पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होता है, वो होता है हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप। लेकिन वो डेटा टाइप जो प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चेंज हो जाता है वो होता है हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल में अभी बस तीन याद रखो, डिक्शनरी, लिस्ट और टपल, सॉरी लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। टपल नहीं, टपल तो इम्यूटेबल में आता है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट जो होते हैं, अभी सिर्फ नाम के आपको ध्यान रखने हैं, ये क्या होते हैं ये तो उसके टाइम पर ही जब वो चीज़ें स्टार्ट होंगी तब आपको पता चलेगा कि डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, ये सब वहीं पता चलेगा, ये अभी हम आपको नहीं बता सकते और ना आपकी समझ में आएगा। इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने एक दिन थोड़े से बताए थे लेकिन यहाँ थोड़ा सा और बता देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी है, ठीक है। ऑपरेटर्स का क्या यूज़ होता है, कैसे वो यूज़ करते हैं, वो सारा आपको जानना ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। ऑपरेटर्स में होता क्या है कि जो प्लस साइन जैसे मैथमेटिक्स में काम करता है वैसे यहाँ काम करता है, इसलिए मैंने उसके आगे नहीं लिखा कुछ भी। एडिशन साइन आपने देखा है, दो नंबर को ऐड करना हो तो एडिशन साइन का यूज़ करेंगे, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, किसी भी तरह के नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो। सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस साइन का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने किया भी है, यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स में आपने किया है, ये सारी साइंस आपने यूज़ किए हैं वो तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, एक साइन यहाँ पर आपने नहीं यूज़ किया है वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको एक साइन दिख रहा होगा जो आपने शायद नहीं यूज़ किया है, बाकी सारे तो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम्स मैंने बताए उसमें आपने यूज़ किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं, स्लैश का जो साइन होता है ये हमारे डिवीज़न के साइन के लिए यूज़ करते हैं। तो दो नंबर के बीच में स्लैश का साइन लगाएंगे तो जो भी उसका डिवीज़न होगा पॉइंट में या जैसे भी वो अपने आप से दे देगा। लेकिन यहाँ डिवीज़न दो तरीके से होता है, एक ये नॉर्मल डिवीज़न है और जो डबल स्लैश लगा हुआ उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। ये डबल स्लैश वाला जो है वो है फ्लोर डिवीज़न। ये नॉर्मल डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में फ़र्क है ऐसे है कि अगर हम लिखते हैं ए, कोई भी वैल्यू अगर हम देते हैं, ठीक है, देखो उसमें होता कैसे है फ्लोर डिवीज़न में कि कोई वैल्यू है, वैल्यू कुछ और आएगी, एक को डिवाइड करते हैं बी से फ्लोर डिवीजन करते हैं तो
एक को किससे डिवाइड करते हैं, क्या वैल्यू आती है, क्योंकि पॉइंट्स में दिया हुआ है यहां पर, या यानी वैल्यू 5.2 और ये आया 5.0। ऐसा क्यों हुआ ये जानते हैं। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, जो स्लैश लगा हुआ है सिंगल स्लैश है वो है हमारा नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन में जैसे आप लोग डिवाइड करते हो वैसे वैल्यू आएगी। 15.3 है, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 15, 3 3 9, 5.3 आएगी। जो डबल स्लैश है इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। यहाँ कहानी अलग है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट के साथ। ये इंटीजर वैल्यू ही देगा, बाकी की वैल्यू आपको नहीं देगा। जो इंटीजर वैल्यू होगी भाई, जो 5 है वो इंटीजर वैल्यू है, जो बाद वाली वैल्यू है वो आपकी डेसिमल वैल्यू है। ये डेसिमल वैल्यू नहीं देता है फ्लोट डिवीजन में, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही प्रोवाइड कराता है। कहीं कहीं पे इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। ये जो ऑपरेटर है डबल स्लैश वाला, ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। एक्सपोनेंशियल वाला तो है वहाँ पर, एक्सपोनेंशियल के लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेट का यूज़ करते हैं। कैरेट का साइन मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कैरेट का यूज़ करते हैं सी और सी प्लस प्लस में, जावा में भी शायद, ठीक है। लेकिन यहाँ जो फ्लोट डिवीजन वाला पार्ट है ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ा। जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया तब मैंने देखा कि ये फ्लोट डिवीजन भी कोई चीज़ होती है। ये सिर्फ पाइथन में है, अदर लैंग्वेजेस में फ्लोट डिवीजन नाम का कोई डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करता है, और जो भी इंटीजर वैल्यू होगी ये वो आपको दे देगा। जो डबल स्लैश लगाएंगे तो ए बी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को देगा, डेसिमल वाली वैल्यू उसको नहीं देगा, ठीक है। जो ये परसेंट का साइन होता है यहाँ पर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं या मॉडुलो बोलते हैं। यहाँ पर ये भी आपको इंटीजर पार्ट ही देगा, लेकिन वो इंटीजर, इन दोनों में भी फ़र्क है। वो देगा तो इंटीजर पार्ट, वो सेम, जब हम आपको प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे तो सेम नंबर के ऊपर जो दोनों चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ रिमाइंडर और फ्लोर्स को आप देख क्या समझोगे कि फ्लोर भी वही चीज़ दे रहा है, रिमाइंडर भी वही चीज़ दे रहा है। रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर वाले में क्या देगा कि रिमाइंडर वाले में वो रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को डिवाइड करें 2 से रिमाइंडर आएगा 1, तो ये रिमाइंडर डिस्प्ले करता है। वो क्वेश्चन डिस्प्ले करता है, लेकिन क्वेश्चन डिस्प्ले पूरा नहीं करता है, सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्प्ले करता है जो आपका, यहाँ थोड़ी एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दी है कि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। वो गलती से बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं। जो रिमाइंडर है, जो मॉडल, इसको बोलते हैं मॉडुलस साइन, मॉडुलो, मॉडुलो भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। तो ये रिमाइंडर हमें देता है। फ्लोर डिवीजन जो है वो हमें क्वेश्चन देता है, लेकिन सिर्फ इंटीजर पार्ट। नॉर्मल डिवीजन जो है वो हमें क्वेश्चन देता है, पूरा पूरा डिवाइड करके हमें वैल्यू दे देगा, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, कोई भी हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। पूरी पूरी डिवाइड करके जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू दे देगा। रिमाइंडर वाले में सिर्फ रिमाइंडर मिलता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इवन ऑड का प्रोग्राम बनता है तो वहाँ कोई नंबर हमने इनपुट किया है, अगर वो T2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इवन है। रिमाइंडर अगर कुछ भी और आ रहा है तो वो ऑड है। अगर रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर कोई भी वैल्यू आ रही है 0 को छोड़कर, कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है तो वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर आपका 1 ही आए, लास्ट में 1 ही रिमाइंडर बचेगा। लेकिन इवन नंबर को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो हमेशा, भाई इवन नंबर की डेफिनेशन ही यही है, जो नंबर 2 से डिवाइड होकर 2 से डिवाइड डिविजिबल है पूरी तरीके से, वो होता है इवन नंबर। आप लोगों को शायद ना बताओ, अब जो नई बुक्स आती है मैथ में उसमें 0 को भी इवन नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। एक्सपोनेंशियल आपको पता ही है, ये मैंने आपको यूज़ करके ही दिखाया है। डबल एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो होता है, डबल एस्ट्रिक से पहले जो नंबर होगा वो बेस होगा और डबल एस्ट्रिक के बाद जो नंबर होगा वो एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। तो ये कुछ ऑपरेटर होते हैं, कुछ और भी होते हैं, वो आगे की क्लास में थोड़ा सा और बता देंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं इसमें, तो वो छोटा सा एक वीडियो और बनाएंगे 10-15 मिनट का, तो उससे के बाद इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। बाकी इस चैप्टर में प्रोग्राम बहुत सारे हैं, मैंने कराए हैं, वो प्रोग्राम आप लोगों को हम प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू दिखाएंगे किस तरीके से वो प्रोग्राम, जैसे आजकल कई बार मैंने आपको रन करा के दिखाए हैं मोबाइल में ही, तो वही मोबाइल में आपको रन करा के दिखाएंगे। बुक में आप जब ओपन करोगे चैप्टर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है फालतू की, असली कहानी जो है जितनी मैंने आपको बताई बस उतनी ही है, बाकी उसमें दुनिया भर की थ्योरी लिखी हुई है जो आपको एक बार में पढ़कर समझ में भी नहीं आएगी। कंप्यूटर की अब की जो बुक्स होती हैं इनमें आप कितनी भी कोशिश कर लो बिना आप टीचर की हेल्प के नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ लिखी क्यों है, क्या इसका यूज़ है, उतनी चीज़ें उतनी आसानी से क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो बुक आप लोग पढ़े ज़रूर, लेकिन उसमें उससे आप रिलेट करोगे कि तो सर ने 2 लाइनें बता दी, 2 लाइन में इसलिए बता दी क्योंकि वो 2 ही लाइन का है, बुक में इतना लंबा एक्सप्लेन किया हुआ। ये आपकी रेफरेंस बुक है जो कोर्स में चलती है आपके, नॉर्मली जो वैसे जो अदर सब्जेक्ट है उसमें आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है, इसमें एनसीईआरटी बुक होती तो है लेकिन वो बिल्कुल बेकार होती है। तो यहाँ डायरेक्ट रेफरेंस बुक से ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन इतना डिटेल में आप लोगों को
समझना नहीं, समझना बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ बहुत बड़े फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसके बाद जो वीडियो देंगे तो पहले इस चैप्टर के कुछ प्रोग्राम्स आपको करा देंगे उस वीडियो के थ्रू, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाए।